नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा था तो यहाँ पे आज हम पकोड़ा बनाए थे, क्योंकि दोपहर में खाना नहीं बनाए थे। हुआ क्या था कि सुबह में हम लोग नाश्ता लेट से किए थे, तो फिर दोपहर में कुछ खाने का मन नहीं किया, तो सोचे शाम को ही कुछ बना लेंगे। तो बस यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर में पकौड़ा बना है, गोभी का और आलू का। और अभी गोभी का सीज़न चल रहा है, तो बस मस्त गोभी का पकौड़ा खाते हैं। और आप लोग भी आ जाइए, गोभी का पकौड़ा खा लीजिए। और इधर टीवी भी चल रहा था, तो हम लोग टीवी देख रहे थे, और क्या आ रहा था पता नहीं, शायद न्यूज ही चल रहा था। और बस सभी लोग मस्त एक जगह बैठ करके और पकौड़ा का एंजॉय कर रहे हैं, और फिर हमको कहीं जाना भी है, तो चलिए मिलते हैं। तो बस पकौड़ा वगैरह खा करके और हो गए हैं रेडी। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने की। पकौड़ा खा करके रेडी हो गए और जा रहे हैं मार्केट। ठंडा बढ़ गया है और वो नीचे फर्श पे बहुत ठंडा लगता है। वैसे मेरा स्लीपर है, ये लोग का स्लीपर नहीं है, तो जा रहे हैं लाने के लिए। और यहाँ पे रुचि का चल रहा है पकौड़ा ठंडा। हाय बाय तो कोई कर लो। और ये शिमला मिर्च का पकौड़ा खा रहे हैं, शिमला मिर्च का चुपके चुपके खा रहा है। तो बस आप लोग घर देखते रहिएगा, ठीक है ना अरुचि, घर देखते रहिएगा। आते हैं हम अपना लिपा पोती करा करके। कहाँ जा रहे थे? पार्लर। पार्लर नहीं जाना, कहाँ है? मार्केट और संजू के यहाँ। नहीं आपको जाना कहाँ लिपा? अरे कहना क्या चाहते हो? पोती करा रहे के। पार्लर। पार्लर कहाँ लिपा पोती करके? पार्लर ही जाना है। हाँ करा के कहाँ जाना? करा के कहीं नहीं, देसर में। फिर अभी करा लेंगे, इसके बाद आपका शादी में करा लेंगे, मस्त प्लान है। और हाँ, आप सभी को बता दे, रुचि का शादी फिक्स हो गया है, डेट भी निकल गया है, पर आप सभी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ डेट नहीं बताएंगे, डेट भी हो गया है पर शादी सेट हो गया है। अब रुचि शादी का तैयारी करेगी और हम शादी में ही अब ब्लीच फेशियल कराएंगे, मतलब मसाज कराएंगे। एक बार अभी करा लेते हैं, चलो बाय। शाम हो गया है इसीलिए मौसम थोड़ा सा आप सभी को ऐसा दिख रहा है। सॉल ले लिए हैं, बहुत महंगा कैमरा, और हमारे ड्राइवर है। हाँ ये है हमारे ड्राइवर, चले। कुछ दिन में ये रोड बन जाएगा, खटारा, ये हमारे गली का रोड कुछ दिन में बन जाएगा। नहीं करे मेरे पैंटे को बाबू का सिल दीजिएगा, ठीक है भाई, सिल देना, ठीक है ना, ठीक है। भेज दीजिए, भेज दीजिए, हैं क्या भेजना, भेज दीजिए। देखिए सच्ची में सबूत भी है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, सबूत रखिएगा, है ना, एकदम रखना भी है। नाम दिखिए नहीं रहा, नाम नहीं दिख रहा, कहाँ दिख रहा है, ये नाम नहीं दिखाई, बोले सिल देने के लिए, तम पक्का कपड़ा निकालल भी है। स्लीपर दिखाइए ना। और ये लोग हमारे पति देव के जान पहचान के लोग हैं, तो वही यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो रहा था। और यहीं पे पति देव कपड़ा वगैरह भी सिलाते हैं और स्लीपर वगैरह भी लेते हैं, क्योंकि इसी के जस्ट ऊपर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये स्टेट बैंक में काम वगैरह पहले करते थे, तो इसलिए सभी लोगों से जान पहचान है। और हमारी शादी के पहले से ये लोग से जान पहचान है। और यहाँ पे बस ये देखिए, हम अपने लिए भी स्लीपर लेने लग गए, पर लिए नहीं थे, पर अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा सा साइज छोटा था इसलिए लिए नहीं थे। और बस यहाँ पे जो स्लीपर लिए थे वो उसका रेट वगैरह फाइनल कर रहे हैं। 640 कैसे दौड़ लिए वो एक्वालाइट किया। हाँ 380 का, ठीक है, वो एक्सेल चप्पल है जो पाँच नंबर बच्चा का है, वो 145 का, ये बच्चा चप्पल, ये बच्चा जो 145 का हवाई, वो जो आप जो आपका हवाई है वो 225 रुपये का, 750 रुपये टोटल हो रहा है, 750 माइनस 20% डिस्काउंट, 600 रुपये पूरा,
सब में समझे सब में चाहिए 60-70 लोग लेस होगी सब में। ये बढ़िया बिस्तर, ये बाबू सुनील, और ये है केसरी ब्यूटी पार्लर। ब्यूटीफुल सीमा भाभी बोल के आ जाइएगा, फ्री में होगा। अब्बा घरवा में घुसेगा। सभी लोग सीसी फुटेज के कैमरे के नजर में हैं, इसीलिए कोई गलती ना करे। ये केसरी ब्यूटी पार्लर की मालकिन, ये मेरी भाभी, जिसको आना हो आइएगा, बोलिएगा सीमा भाभी के पास से आए हैं। हाय हाय। चलिए इन लोग के आए के चक्कर में हम भूल गए, खराब है। और ये लड़की से मिलिए, डेंजर। पर सही बात बोले थे आप कि ये खाने वाला केला नहीं है, सही बात बोले थे। ये सच में वो सब्जी वाला है, टेस्टी नहीं है, पर आप भी चख लीजिएगा। खा लीजिएगा, भोग है, भगवान जी को भी लगाए थे, पहली बार चढ़ा था तो। ये मालकिन है, ऐसी बात नहीं है मालकिन। और ये देखिए, हम बहुत दिन पे आए हैं, लोग छुपा छुपा के काका करते रहती है। चना का साग लग रहा है ना। बैठिए बैठिए। और ये मायके का लड्डू, अरे ले देखा देखा मायके का लड्डू। और ये मायके का हलुआ, और कुछ कुछ आएगा। ये गरम करके माँ को दीजिएगा, शायद खाए होंगे चाहे आप लोग नहीं खाए होंगे। देखिए खाना चाहिए। चलिए पोती चमकाइए हमको, आप लोग कलकत्ता से आइए, आइए मेरे पार्लर में आइए। हाँ कहाँ पे है पार्लर? पचगढ़ी केसरी, केसरी नहीं केसरी ब्यूटी पार्लर। अच्छा केसरी ब्यूटी पार्लर। जो भी लोकल के निवासी होंगे आइएगा, फटाफट यहाँ पे, मोस्ट वेलकम। हाँ और जो भी पेमेंट होगा हमको वहीं पे दे दीजिए, जिसको आना होगा सीमा भाभी बोल के आ जाइएगा, फ्री में होगा। जो भी पेमेंट होगा हमको वहीं पे दे दीजिएगा, नहीं फोन पे कर दीजिएगा, ऑनलाइन सर्विस। तो बस यहाँ पे बातें बातें की हैं और काफी दिनों के बाद मिले हम लोग, तो समाचार वगैरह भी है। और इसके बाद अपना आ गए हैं लिपा पोती कराने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दीदी ब्लीच कर रही हैं और काफी दिनों के बाद करा रहे हैं, लगभग 6 महीना हो गया होगा। हाँ 6 महीना हो गया है, तो सोचे करा लेते हैं। और काफ़ी फेस पे अजीब सा हो गया था जब वेलोर से आए हैं, तभी से टेंशन से भी हुआ था और थोड़ा काफ़ी दिनों से मसाज वगैरह नहीं हुआ था, तो इसको भी लेकर के हुआ था। तो बस सबसे पहले ब्लीच हो गया और इसके बाद मसाज। और बस यहाँ पे हमारा ब्लीच हो गया था, तो दीदी उतार दी हैं ब्लीच और इसके बाद मसाज कर रही हैं। और काफ़ी दिनों के बाद करा रहे थे तो बड़ा आनंद सा भी आ रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे। और जब ये सब चीज़ कराते हैं तो थोड़ा सा मन को भी रिलैक्स मिलता है। तो बस यहाँ पे मसाज करने के बाद इसके बाद पैक लगा देंगी। और ये दीदी का छोटा सा पार्लर है, घर में ही है क्योंकि मम्मी पापा को भी देखना होता है और ये दोनों सिस्टर हैं तो पार्लर भी दोनों संभालती हैं। और छोटा हो या बड़ा हो काम काम से मतलब है, जो भी चीज़ ब्यूटिशियन में होता है वो सारा चीज़ ये लोग करती हैं। तो बस फटाफट से हम अपना करा ले रहे हैं और काफ़ी रात भी हो रहा है। ये देखिए अभी 9:15 हो रहा है। हो गया, मसाज हो गया, मजा आया। और ये थकी कि नहीं थकी? हम थक गए करवा करके, बड़ा गोरे दिख रहे हैं। नहीं नहीं। और इसके बाद हटा के पैक लगेगा और थ्रेडिंग। अच्छा
बहुत दिन से बहुत कचरा था फेस पे, सारा साफ हो गया, अभी अभी ग्लो दिख रहा है ना, बहुत ग्लो कर रहा है। और बस यहाँ पे अब पैक लग रहा है और इसके बाद पैक सूखेगा, इसके बाद फिर थ्रेडिंग बनवाएंगे और फिर घर भी जाने का जल्दी हो रहा है क्योंकि काफ़ी ठंड लग रहा है, बच्चे अकेले भी हैं तो यहाँ पे, पर टाइम तो काफ़ी ज़्यादा ही लग जाता है। घर ही तो जाना है, लिपस्टिक लगाएंगे और पूरा साफ हो गया फेस, काफी दिन से नहीं किए थे ना। थैंक यू दी, बहुत साफ हुआ, साफ हुआ। और आप सभी को एक बात और बता देते, ये दोनों मेरा टीचर भी। अरे बाप रे, है ना, इन्हीं लोग से हम टीचर, हाँ इन्हीं लोग से हम ब्यूटिशियन भी किए हैं और ये टीचर भी हैं और बस पार्लर में भी है, और जो भी लोकल के होंगे, दूर के भी होंगे, उसके लिए भी आइएगा, स्पेशल मिलेगा यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए बहुत रात भी हो गया, टाइम आप 10 हो, बाप रे मस्त, पति देव शायद सो गए हैं। नहीं तो आपका वेट, मेरा वेट कर रहे हैं। और ये देख, वाह क्या सीन है, सो गए हैं हम अपना ये करा रहे थे और ये महाशय जी सूत गए हैं। देखिए ड्राइवर को सीट मिला, ड्राइवर को इतना कोई फैसिलिटी देता है, मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं देता है। ड्राइवर आ गए, बहुत बड़ा बात है। वैसे ही मेरे लिए ड्राइवर है, इन लोग के लिए भाइये है भाई। नहीं करेगा तब तक चला, खांसी हो गई इसको, खांसी। चलिए चलिए देखिए, यहाँ खाना भी आ गया। पार्लर कहाँ मिलेगा, इतना अच्छा पार्लर कहाँ मिलेगा, सही बात है, खाना भी मिलता है यहाँ पे। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आज वालो। अरे आइए ना, आप भी खाइए, आपको भी आ रहा है, कहाँ सोच रहे हैं भैया का फास्टिंग। हाँ काम भी करा लिए और खा के भी जाएंगे, लेट कर रही हैं इन लोग, हम समझ गए थे। खा लिए पी लिए, मेकअप सेकअप सब हो गया, थैली थैली सब हो गया, जिससे रुके न कोई न चली, घर पे चलो मेरे। और बस बाहर निकल गए हैं और ये देखिए इतना सारा प्लांट, और काफी ठंड लग रहा था बाहर में, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।